मॉर्निंग स्टूडेंट्स, तो अपन ने बायोमॉलिक्यूल्स कंप्लीट कर लिया। उसके बाद अपन अगले चैप्टर पे चलते हैं, दैट विल बी पॉलीमर्स। ठीक है, इससे देखो एक क्वेश्चन तो आना ही है मेंस में, नीट में, ठीक है, और बोर्ड्स के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो पॉली की अगर हम बात करें तो पॉली का मीनिंग क्या हुआ? मैनी। और मर्स का मीनिंग क्या हुआ? यूनिट्स। ये अपन कई बार पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो पॉलीमर्स का बेसिकली मीनिंग क्या हुआ? जब बहुत सारी यूनिट्स आपस में कंबाइन कर रही हूं। अब वो यूनिट्स एक जैसी भी हो सकती हैं, अलग अलग भी हो सकती हैं, ठीक है। ऐसा कोई मिथ अपने दिमाग में मत रखना कि ये यूनिट्स जो है सिमिलर यूनिट्स ही होनी चाहिए, क्योंकि अपने पास काफी सारे क्लासिफिकेशन होंगे पॉलीमर्स के, तो उसमें अपन देखेंगे कि सेम यूनिट्स भी हो सकती हैं और डिफरेंट यूनिट्स भी हो सकती हैं, ठीक है। तो यहां पे अगर अपन इसको समझने के लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लें, तो सबसे पहले तो अपने दिमाग में जैसे ही पॉलीमर्स की बात करते हैं तो बात आती है पॉलीथीन की, ठीक है। अब पॉलीथीन की अगर मैं यहां पे बात करता हूं तो देखो पॉलीथीन क्या है। पॉलीथीन में इथीन जो मॉलिक्यूल है, दिस इज इथीन, ये मॉलिक्यूल बार बार रिपीट हो रहा है। मतलब मैं इसके अगर एन यूनिट्स ले लेता हूं तो ये यूनिट्स बार बार रिपीट होंगे और एक लीनियर चेन लाइक स्ट्रक्चर बना देंगे कुछ इस तरीके से। ये पॉलीमर को डिनोट करने का तरीका होता है। यहां अपन प्रीफिक्स में एन लिख देंगे। ये जो यहां पे ओपन बॉन्ड छोड़े हुए, इसका मतलब कि यहां पे चेन कंटिन्यूएशन में इस तरीके से आगे बढ़ती जा रही है। सो दिस इज आर पॉलीइथीन। पॉली मतलब मैनी, मैनी इथीन, कंटिन्यूअसली काफी सारे इथीन यहां पे कंबाइन हो चुके हैं और एन डिनोट कर रहा है कि देयर विल बी एन यूनिट्स ऑफ इथीन। इथीन के कितने यूनिट्स होंगे यहां पे? एन यूनिट्स होंगे, ठीक है। तो अब अगर अपन एकदम लेमैन लैंग्वेज में पॉलीमर्स को बोलना चाहें तो अपन ऐसे बोल सकते हैं कि पॉलीमर्स आर, ठीक है, पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय स्मॉल यूनिट्स, पॉलीमर्स आर फॉर्म्ड बाय स्मॉल यूनिट्स जॉइंट टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड्स, ठीक है। कोवेलेंट बॉन्ड्स के थ्रू ये कनेक्टेड होते हैं और ये अल्टीमेटली बहुत ही ज्यादा वास्ट और जायंट मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, बहुत बड़े मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। अब जब भी ये जायंट मॉलिक्यूल्स वर्ड देखोगे तो दो चीजों में कंफ्यूजन हमेशा डेवलप होगा। हमारे पास मैक्रो मॉलिक्यूल्स भी होते हैं और हमारे पास पॉलीमर्स भी होते हैं, तो अपन उसकी बात करते हैं अभी थोड़ी सी देर में। पहले अपन पॉलीमर्स के बारे में ही कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। तो जो पॉलीमर्स की स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, जैसे ये जो एग्जांपल अपन ने लिया इसमें इथीन जो है, तो इथीन को हम बोलेंगे मोनोमर। क्या बोलेंगे इसको? मोनोमर। तो यहां पे अपन लिख सकते हैं कि मोनोमर्स आर दी स्मॉलेस्ट यूनिट्स, मोनोमर्स आर दी स्मॉलेस्ट यूनिट्स विच रिपीट्स, ठीक है, विच रिपीट्स। तो इनके रिपीटेशन से अपन को क्या मिलेगा? पॉलीमर मिलेगा, ठीक है। और इस प्रोसेस को, मोनोमर से पॉलीमर बनने के प्रोसेस को ही क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। तो इसको ऐसे लिख सकते हो कि मोनोमर के रिपीटेशन के बाद, ठीक है, मोनोमर का रिपीटेशन होने से पॉलीमर्स मिल रहे हैं। और ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन, ठीक है। इस प्रोसेस को ही अपन क्या बोलते हैं? पॉलीमराइजेशन। क्लियर है बात? जैसे इसका एक एग्जांपल और ले लेते हैं, अपन एक ही एग्जांपल पे चल रहे हैं अभी, तो देखो एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे स्टायरीन है, स्टायरीन क्या होता है? दिस इज स्टायरीन, ठीक है, दिस इज स्टायरीन। अब इसका अगर मैं पॉलीमराइजेशन करा दूं तो ये बार बार रिपीट होगा, तो इसको कैसे डिनोट करोगे? इस तरीके से। और इन दोनों पॉइंट पे हम बॉन्ड क्या छोड़ देंगे? ओपन, जो डिनोट कर रहा है कि यहां पे इसकी चेन कंटिन्यूअसली बढ़ती जा रही है। तो यहां पे अब ये जो स्टायरीन है ये मेरा हो गया मोनोमर, और ये जो मॉलिक्यूल बन रहा है ये यहां पे हमारा क्या हो गया? पॉलीमर, ठीक है। इसकी एन यूनिट्स हैं और यहां पे प्रीफिक्स में क्या लिख दूंगा? एन। तो इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इसको अब अपन बोलेंगे पॉलीस्टायरीन, क्योंकि मोनोमेरिक यूनिट स्टायरीन थी और वो काफी बार रिपीट हो गई, तो पॉलीस्टायरीन। अब जैसा कि अपन ने बात करी थी कि दो वर्ड्स में कंफ्यूजन पैदा होगा, किस किस में? मैक्रो और
पॉलीमर्स। तो डिफरेंस बिटवीन मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड पॉलीमर्स की बात कर लेते हैं। तो देखो, पॉलीमर्स जो है ये एक स्पेसिफिक मैक्रोमोलिक्यूल्स है एक तरीके से देखा जाए तो, क्योंकि यहां पे हमको पता है कि ये किसके कॉम्बिनेशन से और किस तरीके के कॉम्बिनेशन से फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि पॉलीमर्स जो है वो एक स्मॉलर यूनिट्स के रिपीटेशन से बन रहा है, जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स में कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। ये जायंट मॉलिक्यूल्स तो होंगे, लेकिन कोई एक ही स्मॉलर यूनिट बार बार कंबाइन हो रही है या कोई फिक्स दो यूनिट्स बार बार कंबाइन हो रही है, उसके बारे में हम यहाँ पे कोई भी जवाब नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आई गेस ये क्लियर होगा। इसको वर्ड्स में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि मैक्रो मॉलिक्यूल्स को अपन क्या डिफाइन करेंगे, कि हाँ ये भी जायंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन किस स्मॉलर यूनिट से किस पैटर्न में बने हैं वो अपन नहीं बोल सकते। जायंट मॉलिक्यूल्स हैं और इनका मॉलिक्यूलर मास भी क्या होगा, काफी ज्यादा होगा। अब इतनी सारी एंटिटीज जुड़ी हुई हैं, बहुत बड़ा मॉलिक्यूल्स बना रही हैं, तो ऑब्वियसली मॉलिक्यूलर मास तो ज्यादा होगा। और यहीं पे अगर मैं पॉलीमर्स की बात करता हूं, तो पॉलीमर्स को अपन ये बोल सकते हैं कि दे आर स्पेसिफिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहां पे डिफाइन है कि ये किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं, इसलिए हम क्या बोल रहे हैं यहां पे, स्पेसिफिक। सो दे आर स्पेसिफिक मैक्रो मॉलिक्यूल्स फॉर्म्ड ऑन रिपीटेशन ऑफ स्मॉलर यूनिट्स, फॉर्म्ड ऑन रिपीटेशन ऑफ स्मॉलर यूनिट्स। अब देखो, जैसा कि मैं बोल चुका हूं, वो स्मॉलर यूनिट सेम भी हो सकती हैं, डिफरेंट भी हो सकती हैं, लेकिन हाँ ये है कि हमको एक फिक्स पैटर्न पता होगा कि अच्छा ये यूनिट बार बार रिपीट हो रही है। अब वो यूनिट या तो एक सिंगल एंटिटी हो सकती है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स भी हो सकती है, वो अपन आगे बढ़ते हुए समझेंगे। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट अपन बहुत कॉन्फिडेंटली लिख सकते हैं, जैसे मैथ्स में अपन सेट और सबसेट की बात करते हैं, यहाँ पे अपन ये जरूर बोल सकते हैं कि ऑल पॉलीमर्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स। लेकिन वाइस वर्सा करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स किसी स्पेसिफिक फॉर्म में कंबाइन हो ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स। अपन काफी टाइप से क्लासिफाई करते हैं, तो एक तरीके से चैप्टर में ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स, क्योंकि काफी तरीके से अपन इसको क्लासिफाई कर सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स एंड सो ऑन, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन, कैसे रिएक्ट कर रहे हैं उन बेसिस पे। तो यहाँ पे सबसे पहले अपन देख लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स। तो जैसा कि मैं अभी बात कर रहा था, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि एक ही मॉलिक्यूल तुम्हारे पास बार बार रिपीट हो रहा हो। जैसे जो अपन ने अभी दो एग्जाम्पल लिए, उसमें इथीन और स्टायरीन को रिपीट करा रहे थे बार बार। ठीक है, तो उस टाइप की जो कैटेगरी होगी उसको अपन बोलेंगे होमोपॉलीमर। क्या बोलेंगे उनको, होमोपॉलीमर, कि एक ही साइट टाइप की एंटिटी क्या हो रही है अपने पास बार बार रिपीट हो रही है। तो होमोपॉलीमर में अपन क्या लिख सकते हैं कि दे है ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर, इनमें सिर्फ एक टाइप का मोनोमर होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अपन ने इथीन और स्टायरीन की लिया, तो अब अपन ले लेते हैं एक एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, एक एग्जाम्पल दूसरा चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, एक्राइलोनाइट्राइल। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज एक्राइलोनाइट्राइल। इधर से एक काफी इंपॉर्टेंट पॉलीमर बनता है जिसको पेन पॉलीमर बोला जाता है, CH2CH2CN। क्या हो गया ये, पॉली एक्राइलोनाइट्राइल। ठीक है, शॉर्ट में इसको प्यार से बोलते हैं पेन। तो ये हो गया तुम्हारे पास एक होमोपॉलीमर। ऑब्वियसली इस चीज का ध्यान रहे, इसकी एन यूनिट्स बार बार रिपीट हो रही है, तो यहां प्रिफिक्स में हम एन लिखना ना भूलें, तभी वो डिनोट करेगा कि ये पॉलीमर है। और अभी जब मोनोमर्स के बेसिस पे क्लासिफाई कर रहे हैं, तो सेकेंड क्लासिफिकेशन अपन कर सकते हैं को पॉलीमर। मतलब अब यहां पे दो डिफरेंट यूनिट्स कंबाइन कर रही हैं, और फिर जो उनकी कॉम्बिनेशन से एक नई यूनिट आएगी, वो यूनिट अपनी बार बार रिपीट कर रही होगी। ठीक है, तो इसमें अपन ऐसा लिख सकते हैं कि मोर देन वन टाइप ऑफ यूनिट, मोर देन वन टाइप ऑफ यूनिट या मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स आर यूज्ड। ठीक है, मोर देन वन टाइप ऑफ मोनोमर्स आर यूज्ड। ठीक, जैसे इसका मैं एग्जांपल लेता हूं, तो यहां पे अपन एक काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल ले लेते हैं, नायलॉन 66।
दैट विल बी आर सिंथेटिक पॉलीमर, वो क्लासिफिकेशन अपन आगे देखते हैं। नायलॉन 6,6 ये कैसे बनता है? ये बनता है एक तो हेक्सा मिथाइलिन डायामीन, तो व्हाट इज हेक्सा मिथाइलिन डायामीन, ऐसे 6 मिथाइल ग्रुप और 2 अमीन ग्रुप, तो ये अपने पास क्या हो गया, दिस इज हेक्सा मिथाइलिन डायामीन, ठीक है। और इसका रिएक्शन अपन करा देते हैं एडिपिक एसिड से, इसका कॉम्बिनेशन अपन करा रहे हैं विद एडिपिक एसिड। तो एडिपिक एसिड में 4 मिथाइल ग्रुप, ओम्स गैप, ये ध्यान होगा तुमको, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, यहां से अपने पास इस तरीके से वाटर का रिमूवल हो जाता है, कंबाइन करने पे वाटर रिमूव हुआ, ये क्या है, दिस इज एडिपिक एसिड, लिख लो यहां पे, दिस इज एडिपिक एसिड। तो अब इनके कॉम्बिनेशन से जो फॉर्म हो रहा है, ठीक, इनके कॉम्बिनेशन से क्या यूनिट फॉर्म हो रही है, देखो इस तरीके से यहां से मैंने बॉन्ड ओपन छोड़ दिया, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ताकि ये चेन रिपीट होती रहेगी। तो NH2 CH2 6, ये बन गया अमाइड ग्रुप, ठीक है, ये अमाइड हो गया इस तरीके से, ये CH2 4 और ये C डबल बॉन्ड O, ये बॉन्ड ओपन छोड़ दिया, N N टाइम्स ये रिपीट हो रहा है, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास ये यूनिट हो गई जो N टाइम्स रिपीट हो रही है, लेकिन ये यूनिट किसी एक मॉलिक्यूल से नहीं आ रही है, ये दो मॉलिक्यूल को कंबाइन करने के बाद आ रही है। फिर यहां पे अगर तुम इस चीज को लेके कंफ्यूजन में हो कि 6,6 किस कन्वेंशन से आया, तो देखो ये डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन बोथ, यहां पे 6 कार्बन एटम है, 1, 4 और ये 6, और यहां पे भी 6, 6 और 6 डिनोट कर रहा है कि इसकी जो यूनिट्स थी जिससे ये यूनिट बनी है जो रिपीट हो रही है बार बार, उसमें कितने कार्बन एटम्स थे, ठीक है। तो ये पहला क्लासिफिकेशन हुआ अपना जो ऑन द बेसिस ऑफ मोनोमर्स, कि मोनोमर्स कैसे हैं, सेम मोनोमर रिपीट हो रहा है बार बार, या हमने पहले एक नई यूनिट बनाई दो अलग अलग मोनोमर्स यूज करके और फिर वो यूनिट बार बार रिपीट हो रही है, ठीक। नेक्स्ट नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आएगा अपना ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स, कि वो पॉलीमर नेचुरली हमको मिल रहा है या फिर हम उसको सिंथेटिकली बना रहे हैं, या कुछ होते हैं सेमी सिंथेटिक जो नेचुरली मिल रहे हो लेकिन उनकी कुछ प्रॉपर्टीज अपन परफेक्ट करने के लिए उनको सिंथेटिकली सिंथेसाइज भी करते हैं कुछ छोटे मोटे चेंजेस करके। तो यहां पे अपन इनको तीन टाइप से डिवाइड करेंगे, वन विल बी सिंथेटिक पॉलीमर, ठीक है, सिंथेटिक पॉलीमर, सेकेंड क्या हो जाएगा, सेमी सिंथेटिक, और थर्ड कैटेगरी अपने पास आ जाएगी नेचुरल। तो एक एक करके एक बार इनको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं नेचुरल पॉलीमर ले लेता हूं, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर। तो देखो अब अगर हम नेचुरल पॉलीमर की बात करते हैं तो इसके एग्जांपल लिख लो, जैसे सेल्यूलोज पूरी सेल वॉल बनाता है, तो ये एक पॉलीमर है। स्टार्च, ठीक है, ये जितने भी अपन ने अभी बायोमोलिक्यूल्स में पढ़े थे। प्रोटीन्स, ये भी काफी लंबी चेन होती है अमीनो एसिड्स की, या फिर नेचुरल रबर, ये तो बहुत ऑब्वियस सा एग्जाम्पल है, नाम में ही आ रहा है नेचुरल रबर, ठीक है। नेक्स्ट सिंथेटिक, ये क्या हुए, नाम सजेस्ट कर रहा है, विच आर मैन्युफैक्चर्ड, इनको हम बनाते हैं, ठीक है, जैसे अभी ऊपर बनाया था अपन नायलॉन 6,6, तो वो हमने फॉर्म करा है खुद से, ठीक है। तो दीज आर मैन्युफैक्चर्ड, एग्जाम्पल में नायलॉन 6,6 लिख सकते हो। और थर्ड कैटेगरी आती है सेमी सिंथेटिक। देखो अब प्योरली ओरिजिन की बात करें तो ये नेचुरल पॉलीमर्स हैं, लेकिन इनकी प्रॉपर्टीज नेचुरली बहुत ही कम होती है, जैसे टेंसाइल स्ट्रेंथ की बात कर लें या मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट कैरेक्टर्स की बात कर लें। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हम इनकी इंप्रूव करने के लिए क्या करते हैं, इनको कुछ केमिकल या फिजिकल मेथड्स यूज करके इनमें चेंजेस करते हैं, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, सेमी सिंथेटिक। तो चाहो तो यहां पे लिख लो कि वैसे तो दे आर नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक है, दे आर नेचुरल पॉलीमर्स, ठीक, बट देयर प्रॉपर्टीज आर इंप्रूव्ड, इनकी प्रॉपर्टीज हम इंप्रूव करने की कोशिश करते हैं, बट देयर प्रॉपर्टीज आर इंप्रूव्ड बाय केमिकल और फिजिकल मेथड। केमिकल तो समझ में आता है, फिजिकल मेथड हो सकता है कि कंप्रेस करने की जरूरत पड़ रही हो, ठीक
ठीक है, तो वो फिजिकल मेथड्स में आ जाएंगे। तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिंथेटिक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। ये अपना सेकंड क्लासिफिकेशन हो जाता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स। अब अगर हम थर्ड टाइप के क्लासिफिकेशन की बात करें यहां पे, तो थर्ड क्लासिफिकेशन होगा ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, कि जो पॉलीमर हमारा बन रहा है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, लीनियर है, चेन है, या 3D स्ट्रक्चर है, ठीक है, केज लाइक लिंक्ड स्ट्रक्चर बन रहा है, तो उस पे डिपेंड करेगा अपना स्ट्रक्चर। तो यहां पे अब हम इनको क्लासिफाई करते हैं। सबसे पहला हो गया हमारे पास लीनियर पॉलीमर। इसका सबसे परफेक्ट एग्जांपल इज पॉलीथीन। पॉलीथीन का अपन ने अभी एग्जांपल देखा, इथीन है, वो कैसे कंबाइन कर रही है एक लीनियर चेन में, इस तरीके से कंटिन्यूएशन में चेन में कंबाइन होता जा रहा है। तो इसमें अगर अपन लिख लें तो यहां पे कोई ब्रांचिंग नहीं होती, नो ब्रांचिंग, ठीक है, और क्या फॉर्म करेंगे, दे फॉर्म स्ट्रेट चेन, एकदम स्ट्रेट चेन टाइप स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, स्ट्रेट चेन फॉर्म करेंगे। एग्जाम्पल जैसा अपन ने अभी डिस्कस करा, एग्जाम्पल में क्या आ जाएगा अपने पास, पॉलीथीन, पॉली इथीन। ठीक है, अब देखो इनका एकदम ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर होता है, फिर दूसरा भी एकदम ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर होगा चेन, और तीसरा भी एकदम ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि यहां पे कोई ब्रांचिंग और चेन नहीं है, तो ये जो लीनियर स्ट्रक्चर्स हैं ये बहुत क्लोज आ जाते हैं एक दूसरे के। ठीक है, चाहो तो यहां पे इस तरीके से लिख लो कि दीज लेयर्स कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, कम वेरी क्लोज टू ईच अदर, और इसी वजह से अब ये क्या हो गया, ये बहुत क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर हो गया, काफी ज्यादा क्लोजली पैक्ड स्ट्रक्चर हो गया, और इससे इसके अंदर कुछ काफी अच्छी प्रॉपर्टीज आ गई। क्या क्या प्रॉपर्टी आ गई, अब डेंसिटी इनकी बहुत ज्यादा हो गई, एक कम स्पेस में काफी सारी चेन्स दिख रही है हमको। ठीक है, और फिर क्योंकि ये इतना डेंस हो गया तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा इनका, काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, और प्रॉपर्टीज टेंसाइल प्रॉपर्टीज भी क्या हो जाएंगी, हाई टेंसाइल प्रॉपर्टी। अब इसको समझने का क्या तरीका है, तुम्हारे पास बहुत सारी लकड़ियां एकदम क्लोज 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 इकट्ठा करके ऐसे उनका एक बंडल बना दिया और बोला जाए कि अब इनको खींच के तोड़ो, तो पॉसिबल नहीं है ना ये तो बचपन में भी स्टोरी अपन पढ़ते थे कि सिंगल सिंगल लकड़ी है वो तोड़ दी, लेकिन एक लकड़ी झुंड में रखी तो कोई नहीं तोड़ पाया, है ना। तो ये अपने पास कहलाती है HDPE, हाई डेंसिटी पॉलीथिन। इस टाइप की पॉलीथिन को अपन क्या बोलेंगे, हाई डेंसिटी पॉलीथिन, जो ना इजीली मेल्ट कर पाए ना इजीली टूट पाए। ठीक, अब जो पॉलीथिन नॉर्मली अपन देखते हैं वो तो बहुत आसानी से टियर हो जाती है, तो वो HDPE नहीं है, वो अपने पास क्या है, LDPE, देखते हैं अपन उसको वो क्या होता है। तो सेकेंड अपने पास अब आ जाएगा, ये हो गया लीनियर पॉलीमर, सेकेंड अपने पास आ जाएगा ब्रांच्ड पॉलीमर, नेक्स्ट विल बी ब्रांच्ड पॉलीमर। अब देखो ब्रांच्ड पॉलीमर में क्या होगा, जैसे ये एक लेयर है, ठीक है, और ये दूसरी लेयर है, लेकिन अब इनके बीच में इस तरीके से कार्बन की ब्रांचिंग है, ठीक है, किसी भी एटम के थ्रू ये ब्रांचिंग हो रही है, यहां पे कार्बन से इस तरीके से ब्रांचिंग हो रही है। अब इस ब्रांचिंग होने से क्या हुआ, देखो यहां पे लेयर्स जो है अब एक लिमिट से ज्यादा क्लोज नहीं आ सकती, क्योंकि ये ब्रांच जो है ये उसको एक दूसरे से दूर कर रही होंगी, तो यहां पे अपन ऐसा लिख सकते हैं कि हेयर ड्यू टू ब्रांचिंग, ठीक है, हेयर ड्यू टू ब्रांचिंग लेयर्स कैन नॉट कम क्लोजर, एक लिमिट से ज्यादा ये क्लोज नहीं आ पाएंगी, तो इस वजह से अब ये कैसी रह गई, अब ये रह गई हमारे पास लूजली पैक्ड। अब अगर ये लूजली पैक्ड रह गई तो इनकी डेंसिटी भी हाई नहीं हो पाएगी, तो इनकी डेंसिटी हो जाती है लो डेंसिटी, और यही अपने पास अल्टीमेटली जाके फिर फॉर्म करते हैं LDPE, जिनको अपन बोलते हैं लो डेंसिटी पॉलीथिन। डेंसिटी लो हो गई, ठीक है, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, लो हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होगी, वीक हो जाएगी, तो दिस इज LDPE। ठीक, तो इसमें क्या रहेगा, लो डेंसिटी, लो मेल्टिंग पॉइंट और लो टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी क्या होगी इसकी, कम हो जाएगी। आई होप क्लियर है ये।
ठीक है। और इसी सीक्वेंस में अपने पास थर्ड कैटेगरी आ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर्स, ठीक है, या 3D पॉलीमर, थ्री डायमेंशनल पॉलीमर, क्रॉस लिंक पॉलीमर या फिर थ्री डायमेंशनल पॉलीमर, ठीक है। अब देखो यहां पे सबसे पहली बात, जन यहां पे देखो लिंकेज होगी, नाम में ही समझ में आ रहा है। अब वो लिंकेज अपने पास या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन मोस्ट ऑफ द केसेस, या फिर सल्फर लिंकेज होता है। अभी इससे पहले क्लासिफिकेशन में अपन ने सेमी सिंथेटिक की बात करी थी, तो कई बारी क्या होता है कुछ प्रॉपर्टीज को इंप्रूव करने के लिए अपन वहां पे सल्फर की लिंकेज कर देते हैं, ठीक है। तो वो तुम्हारे पास इसका एक एग्जांपल हो सकता है। तो अब यहां पे क्या होगा, देखो यहां ब्रांचिंग नहीं होगा, इसको ब्रांचिंग से कंफ्यूज मत करना। जैसे मेरे पास ये पॉलीमेरिक चेन्स है, ये क्या है अपने पास, दीज आर पॉलीमेरिक चेन्स जो बन रही थी, लीनियर स्ट्रक्चर्स बन रहे थे। अब ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये लिंक्ड है, ब्रांचिंग नहीं है, ये लिंक हुए हुए इस तरीके से हाइड्रोजन बॉन्डिंग या सल्फर लिंकेज के थ्रू, ये यहां पे इस तरीके से क्रॉस लिंकिंग शो कर रहे हैं। तो ये बेसिकली क्या है, दीज आर क्रॉस लिंकेजेस जॉइनिंग पॉलीमेरिक चेन्स, जो पॉलीमेरिक चेन्स बन रही थी उनको ज्वाइन कर रहे हैं। अब ये 3D में ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। चेन्स बनी हुई थी ऐसे, लेयर टू लेयर चेन्स थी, ऐसे लेयर टू लेयर चेन्स बनी हुई थी अपने पास, और उनके बीच में लिंकेज हो गई। जबकि ब्रांचिंग के केस में क्या हो रहा था, जैसे ये लीनियरली अटैच्ड है, उसी टाइम पे यहां पे ब्रांचिंग हो गई 2D में एक तरीके से। तो आई गेस थोड़ा आइडिया लग रहा होगा, उतना ही अपने लिए इंपॉर्टेंट है। बस जनरली ये ध्यान रखो कि जो लिंकेज होती है वो या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होती है या फिर सल्फर लिंकेज होती है, ठीक है। ठीक है, तो ये तो एक जनरल क्लासिफिकेशन हो गया जो मोस्टली थियोरेटिकल था अपने पास। अपन अगले क्लासिफिकेशन पे चलते हैं अपना, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, या प्रिपरेशन बोल लो, कि पॉलीमर अब हम बना कैसे रहे हैं। एडिशन रिएक्शन हो रहा है, कंडेंसेशन रिएक्शन हो रहा है, रिएक्शन कौन सा हो रहा है उसके बेसिस। सो दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन। तो इसमें अपन सबसे पहले देखते हैं अपना एडिशन पॉलीमर। जैसे कि अभी हम इथीन की बात कर रहे थे, तो उसमें हमको एक दूसरे के ऊपर ऐड ही होते हुए दिख रहे हैं, कुछ लॉस नहीं हो रहा था वहां पे, है ना। तो जैसे देखो एडिशन पॉलीमर में, देखो जैसे इसका एग्जांपल अपन ले लेते हैं, एक जनरल एग्जांपल ले लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है X, X को हेलोजन से कंफ्यूज मत करना प्लीज, ठीक है। ये इसकी N यूनिट्स ले रहा हूं मैं, और इन्हीं का एडिशन बार बार हो रहा है इस तरीके से, जैसा कि पॉलिथीन में भी हम देख रहे थे, लेकिन अब मैं एक जनरलाइज केस ले रहा हूं कि ये एक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये अपने पास यहां पे क्या बन गया, पॉलीमर फॉर्म हो गया। बस कंडीशन क्या है, ये वाला ग्रुप होना चाहिए। तो इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, अगर इस तरीके से ग्रुप आ रहा है तो इस ग्रुप को अपन क्या बोलेंगे, दिस इज विनाइल ग्रुप, ठीक है। ये क्या हो गया अपने पास, विनाइल ग्रुप, क्लियर है बात। तो ये अपना यहां पे विनाइल ग्रुप हो गया, ठीक। अब यहां पे अगर अपन देखते हैं, तो यहां पे मास ऑफ पॉलीमर की अगर मैं बात करता हूं, तो तुम ध्यान से देखो इधर से इधर तक में कुछ भी लूज नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां से यहां पे जाने में कुछ भी लूज नहीं हुआ, कुछ लूज नहीं हो रहा ना, सारे हाइड्रोजन इंटैक्ट हैं, बस बॉन्ड का मूवमेंट हुआ है कि ये जो विनाइल में डबल बॉन्ड था ये इधर दोनों तरफ जाके सिंगल बॉन्ड में, और इस तरीके से चेन कनेक्टेड है। तो मास ऑफ पॉलीमर के लिए अपन ये बोल सकते हैं कि दिस विल बी इक्वल टू समेशन ऑफ मास ऑफ मोनोमर। ये मोनोमेरिक यूनिट्स के ही सिंपल जो मोनोमेरिक यूनिट्स है उसको कितनी बार रिपीट हो रहा है, जैसे 10 बार रिपीट हो रहा है, तो मैं 10 बार उसके मास से उसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मास ऑफ पॉलीमर आ जाएगा, ठीक है। यहां पे किसी भी तरीके का मास में लॉस नहीं हो रहा है, नो लॉस ऑफ मास, ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। और तीसरा पॉइंट भी लिख लो, नो एलिमिनेशन ऑफ, नो एलिमिनेशन ऑफ स्मॉलर पार्टिकल्स, किसी भी स्मॉलर पार्टिकल का कोई भी एलिमिनेशन यहां पे किसी भी तरीके से नहीं हो रहा। सो दिस इज ऑल अबाउट एडिशन पॉलीमर, कि इस तरीके से यहां पे पॉलीमर्स में क्या होता है, मोनोमेरिक यूनिट्स ऐड होती जाती है, क्लियर
क्लियर है बात? ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन अगर अपन देखें, नहीं इसी क्लासिफिकेशन में अभी तो हमने एडिशन की बात करी है, अपन आगे देखते हैं। सेकंड आएगा इसमें कंडेंसेशन पॉलीमर। अब देखो कंडेंसेशन पॉलीमर में तुम्हारे पास कुछ स्मॉलर यूनिट्स का लॉस होगा, जैसे अपन ने नायलॉन 6-6 का एग्जाम्पल देखा था, वहां पे वाटर एलिमिनेट हो रहा था, तो उधर को तुम्हारे पास एक स्मॉल एंटिटी क्या हो रही है, लूज हो रही है। तो यहां पे लिख लो, इसी चीज को लिख लेते हैं अपन कि ड्यूरिंग ड्यूरिंग फॉर्मेशन ड्यूरिंग फॉर्मेशन स्मॉलर यूनिट्स आर एलिमिनेटेड। ठीक है, इसमें स्मॉलर यूनिट्स क्या हो रही हैं अपनी, एलिमिनेट हो रही हैं। जैसे अब मैं एग्जाम्पल चेंज कर देता हूं, यहां पे नायलॉन 6-6 तो अपन देख चुके हैं, अब अपन एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक मोनोमेरिक यूनिट तो मैं यही ले रहा हूं, हेक्सामिथाइल डायामीन। ठीक है, दिस इज हेक्सामिथाइल डायामीन। नायलॉन 6-6 में भी एक यूनिट तो अपन ने यही ली थी, हेक्सामिथाइल डायामीन। अब इसको मैं कंबाइन करा रहा हूं सेबेसिक एसिड से। देखो क्या होता है, ये सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है, और यहां पे चार की जगह तुम्हारे पास 8 मिथाइल ग्रुप्स होंगे, तो टोटल कार्बन 10 हो गए। ठीक है, इसको बोलते हैं अपन सेबेसिक एसिड। अब इधर भी क्या होगा, सेम उसी तरीके से यहां से वाटर का एलिमिनेशन, यहां से वाटर का एलिमिनेशन। तो जो पॉलीमर में यूनिट रिपीट हो रही होगी अपनी बार बार, वो यूनिट क्या हो गई, वो यूनिट अपने पास इस तरीके से अमाइड यूनिट हो गई। ये यहां पे अमाइड का फॉर्मेशन हो गया, NH सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू, ये 8 बार और ये सी डबल बॉन्ड ओ, यहां पे बॉन्ड ओपन छोड़ दिया, यहां पे बॉन्ड ओपन छोड़ दिया, ये यूनिट एन बार रिपीट हो रही होगी। तो पहली बात तो इसके नाम की करें, अब इसका नाम क्या लिखोगे, नायलॉन। यहां कितने कार्बन है, 6, इधर कितने कार्बन है, 10, तो दिस इज नायलॉन 6,10। ठीक है, एक पॉलीअमाइड बन रहा है यहां पे, क्या फॉर्म हो रहा है, एक पॉलीअमाइड फॉर्म हो रहा है। अब इसमें अगर अपन बात करें, ठीक है, तो यहां पे क्या हुआ अपने पास, लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहां पे वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो रहा है। तो अब एक बार मास मेरे को बताओ कि क्या यहां पे मास को मैं ये बोल सकता हूं कि दैट विल बी समेशन ऑफ मोनोमेरिक यूनिट, बिल्कुल भी नहीं बोल सकते, है ना। तो यहां पे अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ पॉलीमर की बात करी जाए, तो ये जो मास ऑफ पॉलीमर है, दिस विल बी लेस देन समेशन मास ऑफ मोनोमर। ये हमारे पास इसके सम से क्या रहेगा, कम ही रहेगा। ठीक है, पॉलीमर कैसा है, ये नायलॉन बन रहा है, ये हमने प्रिपेयर करा है, नेचुरली तो बन नहीं रहा है, तो ये एक सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है। और ज्यादातर कंडेंसेशन पॉलीमर्स है ना, तुमको सिंथेटिक पॉलीमर ही मिलने वाले हैं। और जो स्मॉलर यूनिट की हम बात कर रहे हैं, वो जनरली क्या क्या होती है, या तो H2O रिमूव हो रहा होगा, या फिर HCl रिमूव हो रहा होगा, या फिर NH3 रिमूव हो रहा होगा, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड, जिन सब की हम बात ऑर्गेनिक में ऑलरेडी कर कर आए हैं। ठीक है, तो दीज आर दी पार्टिकल्स विच आर जनरली रिमूव्ड, दीज आर दी पार्टिकल्स विच आर जनरली रिमूव लिख लो या लॉस लिख लो, जो जनरली रिएक्शन के थ्रू क्या होते हैं, एलिमिनेट होते हैं, लॉस होते हैं या रिमूव होते हैं। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो अगर कंडेंसेशन पॉलीमर की एक बार डेफिनेशन भी लिख लेते हैं, बोर्ड्स में कई बार ही पूछ लेता है। तो देखो कंडेंसेशन पॉलीमर्स की डेफिनेशन में ऐसे लिख सकते हो कि कंडेंसेशन पॉलीमर्स, ठीक है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स, कंडेंसेशन पॉलीमर्स आर दोज पॉलीमर्स विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग, ठीक है, विच आर फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग स्मॉलर यूनिट्स, ठीक है, बट इट इन्वॉल्व्स एलिमिनेशन ऑफ But it involves elimination of smaller particles like, ठीक है, smaller particles like H2O हो गया, NH3 हो गया, and so on. Clear है बात? तो ये अपना next classification complete होता है कि हम polymers को और किस basis पे classify कर सकते हैं।
अब नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है अपने पास ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन पाथ ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो अपन उसको स्टार्ट करते हैं। अब एक बार तुम पॉज कर पीछे देख सकते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन देखते हैं अपना। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन क्या बोले अपन, ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन पाथ ऑफ पॉलीमराइजेशन, ये लास्ट क्लासिफिकेशन रहेगा अपने पास। ऑन द बेसिस ऑफ रिएक्शन पाथ ऑफ पॉलीमराइजेशन, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन, बिकॉज नाम से पता चल रहा है दिस विल इन्वॉल्व सम मैकेनिज्म, रिएक्शन का कुछ ना कुछ मैकेनिज्म आ रहा होगा। ठीक है, तो देखो वही अपन जनरल केस लेके चल रहे हैं। एक इस तरीके से एक जनरल केस बना लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पे मैंने लगा दिया कुछ वाई। ठीक है, मैं एक्स से चेंज इसलिए कर रहा हूं कि तुम कहीं हेलोजन से कंफ्यूज ना कर दो उसको। CH2 CH, इस तरीके से ओपन बॉन्ड छोड़ा एन और यहां पे अपना वाई लगा हुआ है। अब ये जो अपन चेन ग्रोथ, ये एक तरीके से चेन ग्रोथ पॉलीमराइजेशन है, चेन ही बनेगी ना यहां पे, लीनियर चेन बनेगी, उसी का एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसके लिए बेसिकली अपने पास तीन टाइप के मैकेनिज्म पॉसिबल है, और ये तीन टाइप के मैकेनिज्म वही हैं जो अपन ऑर्गेनिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फ्री रेडिकल, एनायनिक, कैटायनिक। ठीक, तो सबसे पहले यहां पे अपन बात करते हैं फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की, कि ये फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू किस तरीके से पॉलीमराइजेशन कर सकता है। ऑब्वियसली कुछ पर्टिकुलर कंडीशंस होंगी जब फ्री रेडिकल होगा। ठीक है, तो रेडिकल इनिशिएटर्स जनरली क्या होते हैं अपने पास, परऑक्साइड्स। तो इन रिएक्शंस के लिए टर्चरी ब्यूटाइल परऑक्साइड अपन जनरली यूज करते हैं इस तरीके से। व्हाट इज दिस टर्चरी ब्यूटाइल परऑक्साइड, तो ये यहां पे अपने लिए क्या है, दीज आर रेडिकल इनिशिएटर्स। इनको क्या बोलते हैं अपन, रेडिकल इनिशिएटर्स, कि ये यहां से फ्री रेडिकल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो या तो टर्चरी ब्यूटाइल परऑक्साइड हो गया या फिर बेंजोइल परऑक्साइड। ठीक है, इस तरीके से ये भी परऑक्सी लिंकेज है, C डबल बॉन्ड O PH, दिस इज बेंजोइल परऑक्साइड। तो इनको अपन क्या बोलते हैं, दीज आर रेडिकल इनिशिएटर्स, जनरली अपन ये यूज करते हैं यहां पे। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा मैकेनिज्म का भी बात कर लेते हैं। तो फ्री रेडिकल अपन ने पढ़ ही रखा है, परॉक्सी बॉन्ड होता है इस तरीके से, तो क्या होता है इसमें होमोलिटिक क्लीवेज, और यहां से तुम्हारे पास इस तरीके से रेडिकल बन गया। ठीक, तो मैं इसको जनरल फॉर्म में बोल देता हूं IN डॉट। ठीक है, क्योंकि ये इनिशिएटर्स है, क्या है ये, दीज आर इनिशिएटर्स, तो मैं इसको IN डॉट बोल देता हूं। एक जनरल केस बना लेते हैं अपन। तो यहां पे क्या होगा, अब ये रेडिकल जाके जो अपना विनाइलिक ग्रुप अपन ने ले रखा है इसके साथ के रिएक्शन करने की कोशिश करेगा, तो यहां पे इसका भी होमोलिटिक क्लीवेज कराएगा डबल बॉन्ड का, तो IN लग गया हमारा CH2 के साथ, और ये रेडिकल इधर इस तरीके से फॉर्म हो गया। तो ये भी कौन सा स्टेप है, अभी इनिशिएशन, रेडिकल का फॉर्मेशन हो रहा है यहां पे। अब ये अपने ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जाके रिएक्शन को प्रोपेगेट करने की कोशिश करेगा, किस तरीके से, EN CH2 CH रेडिकल फॉर्म हुआ है, यहां पे अपन ने कोई वाई एक जनरल ग्रुप लगा रखा है, इसको मैंने वापस से इस विनाइलिक ग्रुप के साथ रिएक्ट कराया, तो इसका होमोलिटिक क्लीवेज अब यहां पे, और होमोलिटिक क्लीवेज के बाद क्या होगा, ये यहां पे इस तरीके से कंबाइन कर गया CH2 CH Y, ये इसके साथ कंबाइन कर गया यहां पे CH2, और हमको फिर से रेडिकल मिल गया यहां पे ये। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि इसमें मैं इसका यूनिट पता कर लूं कि अच्छा मोनोमेरिक यूनिट ऐसे क्या बनेगी, ऐसे तो ये रिएक्शन चलती रहेगी। तो अब हमने क्या करा नेक्स्ट स्टेप में, देखो ये जो यहां पे फॉर्म हुआ CH2 CH, ये वाई लगा हुआ है, ठीक है, CH2 CH Y, इसको हमने ऐड करा दिया जो ये हमारे पास इधर ये इनिशिएशन स्टेप में फॉर्म हुआ था, किस तरीके से, देखो ऐसे CH Y CH2 और ये IN। अब ये यहां पे कंबाइन करेंगे तो ये भी रेडिकल था और ये भी रेडिकल है, इनके बीच में बन जाता है इस तरीके से बॉन्ड, और जो यूनिट अपन बार बार रिपीट होती हुई मानेंगे वो यूनिट अपन ये मानेंगे।
कि ये एन टाइम्स रिपीट हो रही है और यहां पे क्या हो गया, यहां पे ये हो गया एन टाइम्स, क्योंकि इनिशियली जो हमने लिया था वो तो ये था ना, मोनोमेरिक यूनिट जो मैं ले रहा हूं वो तो ये है, उसके बाद तो रिएक्शन का पार्ट है। ठीक है, तो ये हो गया अपना चेन टर्मिनेशन, इस तरीके से हो गया अपना चेन टर्मिनेशन। और जो पॉलीमर यहां से बन रहा है, वो पॉलीमर क्या बन रहा है अपने पास, ये पॉलीमर बन रहा है। ठीक है, पॉलीमर इज फॉर्म्ड, अल्टीमेटली क्या होगा, पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा। तो मैंने एक जनरल केस लिया था, मैंने यहां पे एच से रिप्लेस करके इसको दिखा दिया कि इस तरीके से पॉलीमर फॉर्म हो जाएगा। ये मेरी क्या है, दिस इज माय मोनोमेरिक यूनिट, ये यहां पे पूरी क्या है, मोनोमेरिक यूनिट। अब वो डिपेंड करता है कि अपन यहां पे वाई को क्या रखते हैं, जैसे मैंने यहां पे अपने इस एग्जाम्पल में पॉलिथीन बनाया तो मैंने वाई को एच रख दिया। ठीक है, अब देखो क्लियरली वाई उस पॉइंट पे लगा हुआ है जहां पे फ्री रेडिकल बन रहा है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें एक कंडीशन और होनी चाहिए कि फॉर सच टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, फॉर सच टाइप ऑफ पॉलीमराइजेशन, जो हमने वाई लिया है, ठीक है, जो हमने वाई लिया है, इट शुड बी द ग्रुप विच स्टेबिलाइजेस, फ्री रेडिकल, क्योंकि देखो ये डायरेक्टली वहीं पे लगा हुआ है जहां जहां फ्री रेडिकल बन रहा है। कहने का मतलब मेरा क्या हुआ कि अगर मैं तुमको दो मोनोमेरिक यूनिट दे देता हूं कि एक है तुम्हारे पास ये और एक है तुम्हारे पास ये, अब इसमें से बताओ कि कौन सा फ्री रेडिकल मैकेनिज्म करने की टेंडेंसी रखता है। तो यहां पे वाई है CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, और यहां पे है CN इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, तो फ्री रेडिकल को ये स्टेबल कर रहा होगा और ये स्टेबल नहीं कर रहा होगा। ठीक है, तो ये वाले इस वाले मॉलिक्यूल के लिए ये वाला मेथड यूज किया जा सकता है, इसके लिए नहीं किया जाएगा। क्लियर है ये बात? तो कुल मिला के बात ये है कि ये जो ग्रुप हमारा, ये जो वाई ग्रुप हम बोल रहे हैं, ये एक ऐसा ग्रुप होना चाहिए जो फ्री रेडिकल को स्टेबलाइज कर सके, तभी हम ये वाला मैकेनिज्म या ये वाला पॉलीमर बनाने का रिएक्शन पाथ फॉलो कर सकते हैं। ठीक, इसी सीक्वेंस में सेकंड क्या आएगा अपने पास, एनायनिक पॉलीमराइजेशन, सेकंड विल बी एनायनिक पॉलीमराइजेशन। इसकी बात कर लेते हैं, तो देखो इसको हम किससे कैटेलाइज करते हैं, दीज आर कैटेलाइज्ड बाय ब्यूटाइल लिथियम, ठीक है, एंड NaNH2। अब इसमें तुमको इतना ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ये ध्यान रखो दिस इज द सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल, ये किसका सोर्स है, न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि मैं तो तुमको एक जनरल केस समझाने वाला हूं। ठीक है, और उसी तरीके से अपने पास सवाल भी आएंगे, तो अपन एक जनरल केस वही ले लेते हैं कि ये मेरे पास एक विनाइल ग्रुप है, यहां पे मैंने ग्रुप लगा रखा है वाई, एन यूनिट्स ले रहा हूं इसकी, तो ये भी कंबाइन करके पॉलीमर बनाएंगे इस तरीके से। लेकिन अब क्या हो गया, इनका मैकेनिज्म हो जाएगा अनायनिक, जैसे पहले वाला फ्री रेडिकल था। तो कैसे होगी रिएक्शन, सोर्स न्यूक्लियोफाइल का है अपने पास, यहां से न्यूक्लियोफाइल आ गया, इस न्यूक्लियोफाइल ने जो अपन ने मोनोमेरिक यूनिट ले रखी है उसके ऊपर अटैक करेगा। ठीक है, तो उसके ऊपर अटैक करके क्या करा इसने, ये वाला डबल बॉन्ड इधर, तो ये फॉर्म हो गया तुम्हारे पास न्यूक्लियोफाइल CH2CH-, और ये वाई। तो वो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन बाद में लिख रहे हैं वो मैं यहीं पे लिख दूं, अब समझ में आ रहा है कि ये वाई कैसा होना चाहिए, हेयर वाई शुड स्टेबलाइज एनायन। तो एनायन को स्टेबलाइज करने के लिए तो ये जनरली कैसा होना चाहिए, कोई इलेक्ट्रॉन विद्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, और अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज का केस है तो फिर वो एक अलग बात है। तो ये स्टेबलाइजेशन अपन डिटेल में ऑर्गेनिक में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, सॉरी, तो अब सेकेंड स्टेप में क्या होगा, ये फॉर्म हो चुका है अपने पास CH2CH, ये वाई और ये एनायन। ठीक है, अब दूसरे मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा, यहां पे अटैक कर रहा है, तो ये अपने पास क्या बन गया, NU न्यूक्लियोफाइल CH2CH Y CH2H अनायन चला गया इधर Y। तो यहां पे अपन क्लियरली देख पा रहे हैं कि जो इंटरमीडिएट्स हैं वो क्या है हमारे पास, इंटरमीडिएट्स आर कार्बन आयन्स,
इंटरमीडिएट्स क्या बन रहे हैं हमारे यहां पे, कार्बन अनायन। ठीक, अब इस तरीके से तो ये पॉलीमेरिक चेन चलती रहेगी, देखो चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती रहेगी। मैं चाह रहा हूं मैं पॉलीमेरिक चेन को रोक दूं, तो ध्यान से देखो मुझे क्या करने की जरूरत है। थोड़ा सा अमाउंट एसिड का डाल लो तो वो इस एनायन के साथ एच प्लस रिएक्ट करके चेन को यहीं पे रोक देगा। ठीक है, तो यहां पे इंपॉर्टेंट करके इस पॉइंट को भी लिख लो कि बाय एडिशन ऑफ, ऐसे लिख लो, बाय एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड, ठीक है, पॉलीमेरिक चेन कैन बी स्टॉप्ड, पॉलीमेरिक चेन कैन बी स्टॉप्ड। ठीक है, लिखना चाहो तो यहां पे रिएक्शन की फॉर्म में लिख लो इसको, कि ये हमारी यूनिट है जो रिपीट हो रही है बार बार, तो इसको अब मैं एन लिख देता हूं, और यहां पे ये लास्ट वाला जो यूनिट होगा वो इस तरीके से अभी भी एनायनिक फॉर्म में होगा। इसको रोकने के लिए मैंने एसिड डाल दिया, अब एसिड के डालते उसके साथ रिएक्ट करके अब फर्दर रिएक्शन पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे रिएक्शन हमारी क्या हो गई, स्टॉप हो गई। ठीक है, यहां पे वाई लग के रिएक्शन क्या हो गई हमारी, स्टॉप हो गई, CH2 कट। क्लियर है, और ये चीज भी क्लियर है कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। ठीक है, जैसे यहीं पे देखो, अगर मैं छोड़ो ये एग्जांपल नहीं, इस तरीके से लो, मैं यहां पे तीन मॉलिक्यूल्स लेता हूं, CH2 डबल बॉन्ड CH CN, CH2 डबल बॉन्ड CH CH3, और तीसरा ले लो CH2 डबल बॉन्ड CH PH। इनमें से बताना है कि कौन कौन इस पाथ के थ्रू जा सकता है। तो ये कैसा ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो ये तो हमारे अनायन को खराब कर देगा, हटाओ इसको। ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये बिल्कुल हो सकता है, और ये रेजोनेंस स्टेबलाइज कर रहा है, ये भी हो सकता है। बात समझ में आ रही है मेरी? ठीक है, और इसी सीक्वेंस में लास्ट क्या हो जाएगा अपना, लास्ट विल बी कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। इसी सीक्वेंस में अपना आखिरी क्या हो जाएगा, दैट इज कैटायनिक पॉलीमराइजेशन। अब कैटायनिक पॉलीमराइजेशन कराना है मुझे एक विनाइल ग्रुप का, जो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं। एग्जांपल हम यही लेके चल रहे हैं, यहां पे फिर से इसको वाई बोल देता हूं, जनरल केस, और हमको फिर से यही पॉलीमर ही बनाना है इस तरीके से, है ना, यही पॉलीमरिक यूनिट रिपीट हो रही है। तो अब एक देखो, डबल बॉन्डेड से कैटायन के थ्रू हमको रिएक्शन को आगे प्रोसीड कराना है, तो इतना तो यहां पे चमक रहा होगा कि अगर अब मैं स्टार्टिंग में ही एच प्लस यूज कर लेता हूं तो फिर मुझे एक कैटायन मिलेगा। तो ऐसा ही हम करते हैं, दीज रिएक्शंस आर इनिशिएटेड बाय एसिड्स। ठीक है, दीज रिएक्शंस आर इनिशिएटेड बाय एसिड्स, मतलब एच प्लस हम स्टार्टिंग में ही ले रहे हैं। क्या होगा, पहला स्टेप देखो, तुमने एच प्लस स्टार्टिंग में ही ले लिया, और ये है अपना विनाइलिक ग्रुप इस तरीके से, वाई एक जनरल केस लेते हुए चल रहा है। तो यहां पे अब क्या फॉर्म होगा, CH3 CH प्लस और ये वाई, एच प्लस का अटैक इस पे, मतलब डबल बॉन्ड मैंने यहां पे तोड़ा, एंड सो ऑन। तो अब देखो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बाद में लिख रहे हैं यहीं पे लिख ले, अब ये वाई कैसा होना चाहिए, इट शुड स्टेबलाइज कार्बोकेटायन। तो कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज करने के लिए इट शुड बी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, और अगर रेजोनेंस स्टेबलाइज हो रहा हो तो वो फिर डिफरेंट केस है। ठीक, तो यहां पे अब अपना सेकेंड स्टेप क्या होना चाहिए, अब सेकेंड एंटिटी दूसरे के साथ रिएक्ट करेगी और इस तरीके से एक चेन इनिशिएट करा देगी, पॉलीमेरिक चेन चलती रहेगी ऐसे करके। तो यहां पे अब इनके रिएक्शन के बाद क्या बन गया, CH3CHY, यहां पे ये इसके साथ कंबाइन कर गया CH2CHY पॉजिटिव यहां चला गया। तो यहां पे अपन क्लियरली देख पा रहे हैं कि इधर जो इंटरमीडिएट्स बन रहे हैं दे आर कार्बोकेटायन। ठीक है, तकलीफ, ठीक है। तो यहां पे देखो अब जो चेन रिपीट हो रही होगी वो चेन क्या रिपीट हो रही है, ऑब्वियसली CH3CHY। मैं इसको एक बार और बना लेता हूं CHY, ये वाली चेन बार बार रिपीट हो रही है, और एक टर्मिनल पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज तुम्हारे पास हमेशा बच जाएगा। तो यहां पे इस चेन को रोकने का क्या तरीका है, हेयर
बाय एलिमिनेशन ऑफ एच प्लस, हेयर बाय एलिमिनेशन ऑफ एच प्लस चेन ग्रोथ इज टर्मिनेटेड या चेन ग्रोथ इज स्टॉप्ड। एच प्लस को एलिमिनेट करते चेन क्या होगी तुम्हारी, रुक जाएगी, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इसको फेवर करेगा। क्लियर है बात? ठीक है, अब एक चीज यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान रखना, बहुत अच्छे से, इनफैक्ट इसको हाईलाइट कर लो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ सकता है तुमसे। अगर हम स्टायरीन की बात करते हैं, क्या था स्टायरीन, सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच पी एच, ठीक है, इट फेवर्स ऑल टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स, इट फेवर्स ऑल टाइप ऑफ मैकेनिज्म्स। बोलो क्यों? क्योंकि यहां पे स्टायरीन को अगर तुम देखो तो ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड कर रहा है। ये कैसे स्टेबलाइज कर रहा है, रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइज तो ये रेडिकल को भी करेगा, ये कैटायन को भी करेगा और एनायन को भी करेगा। तो इस वजह से y की जगह अगर पीएच हो गया तो वो कार्बो कैटायन को भी स्टेबल कर रहा है, कार्बो एनायन को भी और फ्री रेडिकल को भी। तो तीनों ही मैकेनिज्म फॉलो कर सकता है स्टायरीन से पॉलीस्टायरीन बनाना। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमर कैन फॉलो ऑल थ्री पाथ्स, ऑल थ्री रिएक्शन पाथ, इस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, तो इस लेक्चर को यहीं पे वाइंड अप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे कि कॉन्जुगेटेड डाइन्स में कैसे पॉलीमराइजेशन करी जाती है। अभी तो हम एक ही डबल बॉन्ड वाले मॉलिक्यूल्स लेके चल रहे हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन देखते हैं कि कैसे कॉन्जुगेटेड डाइन्स, मतलब दो डबल बॉन्ड हो अपने पास, उनमें पॉलीमराइजेशन किस तरीके से कराते हैं। ठीक है, थैंक यू।